नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे। तो भाई, इंडियन रोड्स पर चलने वाले बहुत सारे SUVs के ड्राइवर ऐसे हैं जिनके अंदर अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। मतलब कॉन्फिडेंस तो ठीक है, अगर आप बड़ी गाड़ी में बैठते हैं, उसे चलाते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको एक अलग फील आएगा। लेकिन कुछ लोग इसे नेगेटिव वे में ले जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इन गाड़ियों पर बैठकर सड़क को हमने खरीद लिया है और जो आसपास के लोग चल रहे हैं वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। इसी वजह से अक्सर वो अपने SUVs को हाई स्पीड में चलाते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं और पूरे सड़क पर नचाते हुए चलते हैं, जिसके कई सारे खतरनाक रिजल्ट्स हमने पहले भी देख रखे हैं। आज के इस वीडियो में भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिल जाएगा। ये पहला वीडियो हरियाणा के गुरुग्राम से मिस्टर विनय पंत ने शेयर किया है, जो रिसेंटली इनके कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने फैमिली के साथ गुरुग्राम के इसी एरिया से होते हुए जा रहे होते हैं। ये सिटी के अंदर वाली रोड है और इस पर ये अपने गाड़ी को नॉर्मल स्पीड में चला रहे हैं। 30-35 किलोमीटर पर आर के अराउंड ये गाड़ी होगी और बाकी सारी गाड़ियां भी इसी रफ्तार में चल रही हैं। तभी होता क्या है, एक इंटरसेक्शन पर लेफ्ट साइड से एक थार डैश कैम वाले कार को काफी तेजी से ओवरटेक करती है और इसका ड्राइवर बिल्कुल कट मारते हुए अपने गाड़ी को नचाते हुए ले जाकर एक दुकान के सामने खड़ी कर देता है। दुकान के सामने पहले से एक बाइक पर दो लोग बैठे होते हैं। ये गाड़ी सीधा जाकर उनके सामने रुकती है और इसे नॉर्मल तरीके से नहीं रोका जाता। वीडियो में आप सुन सकते हैं ड्राइवर ने हार्ड ब्रेकिंग की है। क्या कर रहा था? पी रखी है इसने? शायद दारू पी रखी है, जिस वजह से गाड़ी स्किड होते हुए जाकर बाइक के पास में रुकी है। अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन भाई आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि इस जगह कुछ भी हो सकता था। जिस तरह से थार के ड्राइवर ने डैश कैम वाले कार को और इस सामने चल रहे बाइक को एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से ओवरटेक किया है, अगर इनका कंट्रोल खो जाता या गलती से SUV बाइक में लड़ जाती तो काफी बड़ा नुकसान हो सकता था। इसके अलावा सामने ई रिक्शा और लोग भी खड़े हुए हैं। अगर ड्राइवर टाइमली गाड़ी को राइट में ना मोड़ पाता और गाड़ी सीधा जाकर इन लोगों को हिट कर देती तब क्या होता। और लास्ट में अगर ये बाइक के पास टाइमली ना रुक पाती और बाइक को सीधा हिट कर देती तब भी बाइक वालों को काफी ज्यादा इंजरीज आ जाती। कुल मिलाकर ड्राइवर ने काफी खतरनाक तरीके से अपने गाड़ी को चलाया है और दूसरों के जान को खतरे में डाला है, क्योंकि ऐसे एक्सीडेंट्स में इनको तो कुछ होना नहीं है। जिस भी व्हीकल में गाड़ी लड़ेगी सामने वाले का ही नुकसान होगा, एयरबैग्स खुलेंगे और ये तो अपना सेफ बच जाएंगे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल ये कोई ना कोई बड़ा एक्सीडेंट कर देंगे। और इस चीज को आपने पहले भी कई बार देखा होगा। अभी रिसेंटली एक इन्फ्लुएंसर का ऐसा ही एक एक्सीडेंट आया था, जिसमें वो हाई स्पीड में ड्राइविंग कर रहे थे और कट मारते हुए एक बाइक वाले को उड़ा दिया था। बिल्कुल वैसा ही कुछ सिचुएशन यहाँ पर भी क्रिएट हो सकता था। तो इसीलिए कुछ भी बड़ा होने से पहले पुलिस को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी तक काफ़ी कम लोगों ने इसे सब्सक्राइब किया है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ रिसेंटली बिहार से एक व्यूअर ने शेयर किया था। वीडियो में आप देख सकते हैं डैश कैम वाली कार एक 4-लेन हाईवे से होते हुए जा रही होती है। बारिश का समय है जिस वजह से गाड़ियों की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज नहीं है। 50-60 किलोमीटर पर आर के अराउंड इसे चलाया जा रहा होगा। नॉर्मली इस हाईवे की स्पीड हो सकता है 80 किलोमीटर पर आर के अराउंड हो, लेकिन अभी बारिश का समय है इसलिए इस पर तेज नहीं चलाया जा सकता है। और इस चीज़ को सभी गाड़ियां फॉलो कर रही हैं, डैश कैम वाली कार भी और सामने चल रही महिंद्रा स्कॉर्पियो भी। साथ में रोड के साइड में आप देख रहे होंगे काफ़ी जगह पानी भी इकट्ठा है, तो ऐसे में गाड़ियां बहुत ज़्यादा राइट में जा भी नहीं पा रही हैं, क्योंकि आप अगर ऐसे इकट्ठा हुए पानी के ऊपर से अपने गाड़ी को निकालेंगे तो हो सकता है गाड़ी का कंट्रोल छूट जाए और गाड़ी स्किड होकर कहीं पलट पलट जाए। तो ऐसे सिचुएशन में लोग रोड के किनारे जाने से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, जो यहाँ पर भी देखा जा सकता है। अब होता क्या है कि थोड़ी दूर चलने के बाद एक जगह पर महिंद्रा स्कॉर्पियो का ड्राइवर अपने सामने चल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करने की कोशिश करता है। फास्ट लेन यानी राइट वाले लेन में ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही है और लेफ्ट साइड में ये ई रिक्शा है। अब होता क्या है, जैसे स्कॉर्पियो का ड्राइवर ट्रॉली को लेफ्ट साइड से ओवरटेक करते हुए अपने गाड़ी को आगे ले जाता है, वैसे ही ट्रैक्टर का ड्राइवर शायद अपने स्टीयरिंग को थोड़ा सा लेफ्ट घुमा देता है, जिस वजह से स्कॉर्पियो के ड्राइवर को भी गाड़ी को लेफ्ट करना पड़ता है। और इसी दौरान SUV का जो साइड है वो ई रिक्शा में लड़ जाता है, जिससे अनकंट्रोल होकर ई रिक्शा रोड पर ही पलट जाता है। अब इस वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी गलतियाँ हैं। सबसे पहले ट्रैक्टर ट्रॉली जिस लेन में चल रही है उसे वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। ये फास्ट लेन है, यहाँ से गाड़ियाँ दूसरे गाड़ियों को ओवरटेक करती हैं और ट्रैक्टर एक स्लो व्हीकल है, इसलिए इसको लेफ्ट में होना चाहिए था।
दूसरी चीज ई रिक्शा के ड्राइवर को स्पीड को स्लो करके गाड़ी को थोड़ा सा लेफ्ट में कर लेना चाहिए था। वहीं स्कॉर्पियो के ड्राइवर को भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। अगर इस तरह से ये लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर रहे हैं तो अचानक से ये गाड़ियों के बीच में नहीं घुस सकते हैं, ना ही इन्होंने हॉर्न बजाया है। ये पहले से हॉर्न बजाते तो आगे चल रहे गाड़ियों के ड्राइवर्स को पता चलता कि उनको कोई गाड़ी ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है। मान लीजिए ट्रैक्टर वाले तो बेवकूफ हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। आप देख ही सकते हैं किस तरह से इसका ड्राइवर ने बिना कुछ देखे अपने गाड़ी के स्टेयरिंग को लेफ्ट घुमा दिया है। तो ऐसे में स्कॉर्पियो के ड्राइवर के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, इनको भी अपनी गाड़ी को लेफ्ट करना पड़ा और इसी चक्कर में ये ई रिक्शा में जाकर लड़ गई। खैर ये तो रही एक्सीडेंट की बात, ई रिक्शा अनकंट्रोल होकर पलटी और इसमें जो पैसेंजर्स बैठे थे उनको चोटें भी आ गईं। ऐसा बताया जा रहा है इसके ड्राइवर को मेजर इंजरीज आ गई थी, जबकि जो पैसेंजर था उसका पैर टूट गया था। लेकिन फिर भी स्कॉर्पियो के ड्राइवर यहां पर रुके नहीं, वो स्पीड को बढ़ाते हुए सीधा निकल गए। तो भाई इस एक्सीडेंट को देखकर आप समझ सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं गलतियां सबकी हैं, किसी की ज़्यादा है किसी की कम है। लेकिन आप अगर इंडियन रोड्स पर ड्राइविंग कर रहे हैं तो इन छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर कब लोग लेन चेंज कर देते हैं, कब आपके सामने आ जाते हैं कुछ पता नहीं होता है। तो आप पहले से चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और ऐसे ओवरटेकिंग करते समय हॉर्न का यूज़ करेंगे और पेशेंस रखकर ओवरटेकिंग करेंगे तो ऐसे एक्सीडेंट्स कभी नहीं होंगे। थोड़े से जल्दबाजी के चक्कर में ये सारी चीज़ें होती हैं और इसमें कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। कई बार आप देख सकते हैं रिक्शा वालों को मेजर इंजरीज आ गई हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा गलती किसकी है और ऐसे एक्सीडेंट्स में कैसे बचा जा सकता है और दूसरों को सेफ रखा जा सकता है, कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ।